जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योति जगत के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान में आर्थिक रूप से गहरा संकट दिखाई दे रहा है और इस अंक में हम जानेंगे कि जीवन में यदि धन संबंधित कोई समस्या हो तो उसका एक आसान सा उपाय क्या है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ज्योति जगत बाय देव निरंजन। दोस्तों, हमारे प्राचीन ऋषियों ने धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के कई ज्योतिषीय उपाय बताए थे। उनमें से एक है गन्ने का प्रयोग। वर्तमान में गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और आपको आसानी से गन्ना या गन्ने का रस मिल सकता है। अब हम देखते हैं कि गन्ने के रस का प्रयोग किस प्रकार से करें तो धन संबंधित समस्याओं का समाधान एक सप्ताह के अंदर होने लगेगा। दोस्तों, गन्ने को शुक्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है। यदि गन्ने के रस को शिवलिंग पर चढ़ा जाए तो धन संबंधित सभी प्रकार की समस्या आसानी से समाप्त हो सकती है। लेकिन शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है, इसको देखते हुए इसका प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर दो प्रकार की कुंडली दिखाई जा रही है। पहली कुंडली में यदि शुक्र आपकी कुंडली में केंद्र में है, दूसरे भाव में है या त्रिकोण में है, अर्थात पहले, दूसरे, चौथे, पांचवे, सातवे, नवम या दशम भाव में है, तो आपको रोज सुबह किसी भी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गन्ने का रस में बर्फ या किसी भी प्रकार का मसाला नहीं होना चाहिए। गन्ने का ताज़ा रस कम से कम आधा गिलास लगातार 7 दिन शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और यदि शुक्रवार से यह प्रयोग प्रारंभ करें तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करें तो अति उत्तम है। दोस्तों, अब यह दूसरी कुंडली है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शुक्र 3रे, 6ठे, 8वें, 11वें या 12वें भाव में स्थित है तो आपको गन्ने के रस को नहीं चढ़ाना है। इस स्थिति में आपको गन्ने के टुकड़े कर रोज एक टुकड़ा शिवजी पर चढ़ाना है और लगातार 7 दिनों तक एक एक टुकड़ा शिवजी पर चढ़ाना है। यह प्रयोग भी शुक्रवार से प्रारंभ करें तो अच्छा फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करें। दोस्तों, यह एक सरल प्रयोग है जिसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यदि आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो किसी भी शुक्रवार को शंकर जी को पूरा गन्ना चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित आपको यदि कोई सा प्रश्न पूछना हो तो हमें कमेंट अवश्य करें। अगले अंक तक के लिए जय श्री महाकाल।